आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्य आर्य योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज आवास विकास सेक्टर 7 स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से बिहार करते हुए जयपुर हाउस पहुंचे, जहां मुनिश्री का भव्य मंगल प्रवेश 108 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जयपुर हाउस प्रांगण में हुआ। इस दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों ने मुनिश्री की भव्य आगवानी करते हुए 108 थालियों के साथ मुनिश्री 108 प्रणम सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया। एमडीजे इंटर कॉलेज के मंदिर प्रांगण में चल रही श्री पार्श्व कथा के समापन के बाद संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्व 108 प्रणम सागर जी महाराज और मुनिश्व 108 चंद्र सागर जी महाराज नगर भ्रमण के दौरान नगर की विभिन्न शैलियों के यहाँ पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में मुनिश्री आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से विहार करते हुए सैकड़ों भक्तों के साथ जयपुर हाउस पहुंचे, जहां बैंड बाजों के साथ मुनिश्री का भव्य मंगल प्रवेश श्री 108 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जयपुर हाउस में हुआ। तो वहीं मंदिर प्रांगण में बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों द्वारा मुनिश्री की अगवानी 108 थालियों के साथ मुनिश्री के पाद प्रक्षालन कर की गयी। बड़ा ही उत्साह और एक जैसे उत्सव होता है ना, उत्सव जैसा माहौल है और चौ और खुशियाँ हैं, उमंग है, जोश है। सब मुनि महाराज की आगवानी के लिए तत्पर हैं, सबके अंदर जोश है और बड़े ही खुश हैं लोग। महाराज श्री का मंगल आगमन यहाँ हो चुका है, धर्मसभा हो चुकी है और बहुत ही महान मुनिराज हैं, प्रज्ञा श्रवण ऐसे ज्ञान के धारी मुनिराज हमारे जयपुर हाउस में आए हैं, ये हमारे बड़े ही सौभाग्य का विषय है। हमारे गुरुवर पिछले 2 महीने से आगरा नगर के अंदर विराजमान है और उनका चतुर्मास आगरा नगर के अंदर चल रहा है, जो कि MDN इंटर कॉलेज के अंदर चतुर्मास स्थापित हुआ था। अब गुरुदेव जो है नगर भ्रमण का कार्यक्रम कर रहे हैं और नगर भ्रमण में गुरुदेव सेक्टर 7 होते हुए या जयपुर हाउस के अंदर पधारे हैं। बता दें कि मुनिश्री के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 से लेकर जयपुर हाउस मंदिर प्रांगण तक जगह जगह मुनिश्री की अगवानी भक्तों द्वारा की गई। इस दौरान भक्तों ने भी मुनिश्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया। हमारे महाराज जी अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम सागर महाराज जी और चंद सागर महाराज जी का मंगल प्रवेश हुआ है, बहुत ही हर्षोल्लास लग रहा है और हमें सबके मन एकदम मंगल हो गए हैं। महाराज जी ने हमें ये बात सिखाई कि हमें सभी से प्रेम भावना रखनी चाहिए। भक्तों में बहुत अधिक उत्साह है, पूरा जयपुर हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही खुशनुमा माहौल है। महाराज जी ने बहुत सुंदर अच्छे मार्मिक तरीके से हमें विश्वास का महत्व बताया कि पति पत्नी हो या घर गृहस्थी के संबंधों में हमें विश्वास व भावना बहुत जरूरी है। विश्वास करना चाहिए इंतजार पे। महाराज जी का प्रवचन में इतना आज अच्छा लगा, मन में हम लोग को भी विश्वास हो गया कि हाँ, कभी कभी हम लोग पेशेंस लेस हो जाते हैं। आज महाराज जी का प्रवचन सुन के लगा कि हाँ, कि हम लोग को भी इच्छा के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जयपुर हाउस से श्री 108 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में हुए भव्य मंगल प्रवेश के बाद मुनिश्री की भव्य धर्म सभा आयोजित की गई, जिसमें ताज नगरी की लगभग सभी शैलियों से भक्त धर्म सभा में पहुंचे। इस दौरान मुनिश्री की धर्म सभा की शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के चित्र नावरण, दीप प्रज्वलन और मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और मंगलाचरण के साथ हुई। मुनिश्री ने प्रवचनों के माध्यम से सब्र और प्रतीक्षा के महत्व को बताते हुए प्रतीक्षा के बाद मिलने वाले फल का सुंदर वर्णन अपने भजन और प्रवचनों के माध्यम से किया। इस दौरान मुनिश्री ने श्रावक का अर्थ भी समझाया कि प्रतीक्षा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर आस्था हो, विश्वास हो। आपके अंदर की आस्था की भावना को, विश्वास को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए भी कभी कभी गुरु आपकी प्रतीक्षा की परीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? आपको प्रतीक्षा करवाते हैं, आपकी परीक्षा करते हैं कि आप उस प्रतीक्षा करके भी उतने ही आस्थावान बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। नहीं तो आप लोगों की आदतें बड़ी खराब पड़ी होती हैं। आप लोग हर चीज के साथ में बहुत ज्यादा एग्रीमेंट करते हैं, हर चीज के साथ में बहुत ज्यादा
पहले से ही अपना माइंड सेट कर लेते हैं और जब आपके लिए उस तरह की चीजें नहीं मिलती हैं तो एकदम से आप क्रोधित भी हो सकते हैं, एकदम से आप बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो सकते हैं, एकदम से आपके अंदर डिप्रेशन का भाव भी आ सकता है, सैडनेस आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सब चीजें जानते हो क्यों आती हैं? इसके पीछे एक ही कारण है, अगर आपके अंदर आस्था की कमी होगी तो ऐसा होगा, और अगर आपके अंदर विश्वास है, आस्था है, तो आपको लगेगा आज नहीं तो कल सही। बता दें कि मुनिश्री का जयपुर हाउस मंदिर प्रांगण में मंगल प्रवेश 6 अक्टूबर को होना था, लेकिन पश्चिमपुरी में भक्तों के पुण्य के चलते बनने जा रहे नए जैन मंदिर के शिलान्यास के चलते मुनिश्री का भव्य मंगल प्रवेश 7 अक्टूबर को हुआ। इस दौरान जयपुर हाउस शैली के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यही नहीं, मुनिश्री के धर्म सभा के दौरान ताज नगरी के साथ साथ अन्य शहर और राज्यों से भी भक्त मंदिर प्रांगण पहुँचे और मुनिश्री के श्रीमुख से हो रही अमृत वर्षा का आनंद लिया। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।